हेलो गाइस, सबसे पहले वेलकम बैक टू अनदर गेम टू दिस सीरीज। गाइस आज हम लोग दोबारा से खेली जा रहे क्राफ्ट माइंड 4 को। सो गाइस आज की ही वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अपना जो है वो इस घर के अंदर है और एक फ्लोर बनाने वाले हैं, जो कि ऊपर एक फ्लोर बनाने वाले हैं हम लोग, जो कि सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है। तो लेट्स गो। उसके लिए मैंने जो है वो कब से भाई माइनिंग कर रहा था और ढेर सारा मैंने जो है वो स्टोन माइन कर लिया है। सो आ जाओ, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं एक गधी लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं जो है वो स्टोन भर के ले जाने वाला हूँ। तो लेट्स गो, फटाफट से जो है वो स्टोन लेकर लेने के लिए चलते हैं यहाँ से। तो मैं इस गधी को, मतलब इस मंकी को, सॉरी इस गधी को ढूंढते ढूंढते मतलब इतना टाइम लग गया। उससे अच्छा ये था कि भाई मैं जो है वो एक गधा ही हूँ यार, उससे अच्छा ये था कि मैं यहाँ से स्टोन लेकर यहाँ पे रख सकता था। बट नहीं, मुझे तो जो है वो एक फील देनी है ना। चल भाई चल, जल्दी चल, इसके पैर बहुत ही कम स्लोली चल रहे यार, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है ये। चल जा वरना तो भाई, एक सेकेंड, इसके लिए मेरे पास एक ख़तरनाक ये देखो। हाँ जा अब चल, नहीं इसके तो भाई एक पड़ेगी तो मर जाएगी, तो इससे नहीं। ये देखो ये है डंडी, चलो अब तो तुम्हारी खाल उठा दूंगा अगर नहीं चली तो। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, यू कैन डू इट फास्ट भाई, जल्दी यार, ये कितना स्लो चल रही है। वैसे इसके अंदर मैं सेडल भी लगा सकता था, शायद से वो फास्ट हो जाता। अरे यार सेट, लेट्स गो यार, अभी पहुंच ही गए हैं फाइनली यहाँ तक। और गधी को खींचते हुए उससे अच्छा ये था कि मैं यहाँ से लेकर वहाँ पे रख देता। बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई, दोनों ही चेस्ट भरी हुई है, पूरी तो नहीं बट यहाँ तक मैंने पूरी भर दी है इसको, ताकि भाई मुझे जो है वो कमी ही ना हो स्टोन की। तो लेट्स गो, ये सभी जो है वो लोड करवा देते हैं अपनी गधी के ऊपर, उसके बाद लेके चलेंगे। ये गधी है सच में, इसका बच्चा भी था। सो गाइस, मैंने इसको जो है वो भर दिया है मतलब इसको जो है वो अभी जो है वो यहाँ पे देख सकते हो स्टोन जो है वो सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया है। अभी जो है यहाँ से मेरा सारा सारा का सारा सामान जो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है वो सभी उठा लेता हूँ मैं, और उसके बाद चलते हैं वापस से इसको खींचने के लिए, मतलब खींचते खींचते जो कि बहुत। अरे यार जल्दी चल ले, वहाँ पे अभी थोड़ा ही बचा हुआ है। अभी जो है मैं तेरे को गाजर खिलाऊंगा, जाओ चने खिलाता हूँ। हाट नूबड़ी है, मैं घोड़े का चना तुझे क्यों खिलाऊं? चल नूबड़ी, वापिस फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी जो है वो काम शुरू कर देते हैं हम लोग फटाफट से अपना। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे फंस गई है क्या? अरे निकल रहा है ये, ऐसे नहीं निकलेगी भाई, इसके लिए बहुत ख़तरनाक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बाकी यार चलो, अभी जो है वो हम लोग अपना फ्लोर बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही फ्लोर बनने वाला है, तो दिखने के लिए कुछ होगा नहीं भाई, देखने के लिए कुछ होगा नहीं। आ जाओ। तो सारा का सारा सामान जो है वो लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, और इससे एक ब्लॉक अंदर बनने वाला है। तो लेट्स गो, यहाँ से जो है वो हम लोग पिल्लर लगाना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। रात हो रही है, वाह भाई वाह, लेकिन पिल्लर तो लगा के जाऊँगा मैं। इसको निकाल देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेट्स गो, अभी फटाफट से काम पे लग जाते हैं। और भाई बहुत करना है कुछ, मतलब ऐसा जो है वो ये फ्लोर बन चुका है, शायद से 5 ब्लॉक का है ये, और किन लेना चाहिए था यार। तो लेट्स गो, ये देखो यहाँ पे 5 ब्लॉक का ये जो है वो पिल्लर बन चुका है। यहाँ पे भी बना देते हैं ये नेक्स्ट वाला पिल्लर। सो लेते पहले तो, गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे देख सकते हो सोकर हम लोग उठ चुके हैं। और सो की गाइस, अभी जो है वो सबसे पहले तो भाई टॉर्चेस लगाने ज़रूरी है भाई, वरना तो यहाँ पे HP फार्म हो जाएगा और हमें काम नहीं देगा भाई। यहाँ पे इतने मॉब स्पॉन हो जाएंगे ना भाई, क्या ही बताओ। सबसे पहले तो भाई टॉर्चेस लगाना ज़रूरी है, तो टॉर्चेस लगा देते, उसके बाद जो है वो काम शुरू कर देते हैं।
सो कि गाइस फाइनली जो है वो वॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे देख सकते हो। और अभी जो है यहाँ पे सेम टू सेम अभी क्या करना है, अभी ये वाली वॉल बनानी है, नहीं खिड़कियाँ बना डालते हैं। अभी खिड़कियाँ जो है अब तक नहीं बनी है, तो खिड़कियाँ जो है वो खिड़की के लिए देखना ज़रूरी नहीं है। वैसे आ जाओ हम लोग जो है अपने हिसाब से खिड़कियाँ बना देते हैं। यहाँ पे देखो एक दो तीन ब्लॉक छोड़कर यहाँ पे जो है एक खिड़की आएगी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देख सकते हो। और वो ये दो और तीन की खिड़की होगी, ये छोटी खिड़की होगी थोड़ी सी नीचे वाले से। तो यहाँ पे फटाफट से खिड़कियाँ बना देते हैं सभी जगह पे, क्योंकि स्पेशली ये जो है वो ये वाला घर जो है वो खिड़की विंडोज़ के लिए ही जाना जाएगा। सबसे ज़्यादा विंडो इसके अंदर होगी, तो मैं विंडो तो भाई हर जगह पे लगाने वाला हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे देखो तीन और दो की ये खिड़की बन चुकी है। इसी तरीके से जो है वो सारों के अंदर सभी जगह पे जो है खिड़कियाँ बना डालता हूँ फटाफट से। सो फाइनली गाइस मैंने जो है यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल भी कंप्लीट कर दी है ये वाली। और यहाँ पे अभी मैं जो है वो डोर लगाने वाला हूँ, मतलब डोर के लिए रास्ता तो खोलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा। ये देखो यहाँ पे जो अपना डोर भी बंद चुका है, ये हो गया डोर। ये देखो यहाँ पे देखो ये खिड़कियाँ है और ये जो है वो डोर है। अभी जो है वो यहाँ पे सेम टू सेम मुझे जो है इसको जो है ना इस खिड़की को थोड़ा सा एक ब्लॉक ना नीचे खींचना है यहाँ पे देखो ऐसे, क्योंकि ऊपर जो है वो ये अच्छी नहीं लग रही, इसलिए जो है मैं एक ब्लॉक ऐसे नीचे खींच देता हूँ सभी खिड़कियों को फटाफट से। दो मिनट के टाइम दो आप लोगों को, मैं दो मिनट के बाद मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस काम करते करते रात हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर रूफ यानी छत लगा रहा हूँ। तो फटाफट से ये भी काम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये वाला छत का काम थोड़ा बहुत भाई हार्ड होने वाला है, क्योंकि पूरे के अंदर छत लगने वाली है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। लेट्स गो, बट हार नहीं मानेंगे, रात में भी काम करेंगे दिन में भी काम करेंगे। सो फाइनली गाइस हमारी जो है वो छत लग चुकी है और अभी जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ पे दोनों तरफ लगाने वाले हैं। क्या हम लोग दोनों तरफ लगाएंगे क्या बोलते हैं उसको, बालकनी। यस यहाँ पे वैसे बालकनी होती नहीं है, बट मैं फिर भी लगा रहा हूँ क्योंकि ये घर जो है वो यूनिक बनना चाहिए। यस उसके लिए जो है मैं ये लगा रहा हूँ बालकनी। लेकिन बालकनी से पहले सीढ़ियाँ बननी चाहिए भैया, तो सीढ़ियाँ पहले बना डालते हैं, उसमें क्या हो गया। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले स्टेयर बनाएंगे, उसके बाद जो है वो बनाएंगे क्या बोलते हैं उसको बालकनी। यस तो लेट्स गो फटाफट से काम पे लग जाते हैं और शुरू करते हैं। फाइनली गाइस हमारी चारों के चारों स्टेयर जो है वो फाइनली बन के रेडी हो चुकी है। अब बारी है बालकनी की, तो लेट्स गो लग जाते हैं काम पे। और क्या दो मिनट के अंदर बन जाएगा, इसमें क्या है भाई, आपका तो सिर्फ दो मिनट लगता है, मेरा दो घंटा लगता है।
सो फाइनली गाइस दोनों तरफ से हो हम लोगों ने जो हो बना दी है बालकनी। अब बारी है बालकनी के अंदर जो डिज़ाइन होती है ना, जो आगे की वो लगाई जाती है, जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है भाई, ये भूल गया मैं यार, जिसको बोला क्या जाता है पता नहीं यार क्या बोला जाता है, बट हाँ वो लगाने जा रहे हैं। लेट्स गो, फटाफट से काम पे लग जाते हैं और लगा डालते हैं यार। अरे सो गाइस मैं जो है वो यहाँ पे जो है वो रिवर एंड ओशन के अंदर गया था भाई ब्लैक डाई कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ढेर सारी कलेक्ट के लिया जाए, क्योंकि जो है वो ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो इसलिए मैं जो है वो ढेर सारे जो है ब्लैक डाई जो है वो कलेक्ट करके आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अभी जो है वो इसके अंदर ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई कर लिया जाए कलेक्ट ढेर सारी। और हाँ एक चीज़, ये घर ऐसे ही नहीं रहने वाला है, इसके अंदर भाई ये जो है वो डेकोरेशन होने के बाद भाई ये घर कैसा लगता है वो देखना। अभी जो है सिर्फ स्टोन का दिख रहा है, बट बाद में जो है वो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। मैं नेदर से भी बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ, तो कमेंट करके मत बताना कि भाई सिर्फ स्टोन का भाई ये घर अच्छा नहीं लग रहा है ये वो, बट ये जो है वो बाद में भाई ऐसा घर बना दूंगा ना मैं, इसको मज़ा आ जाएगा देख कर भाई, ऐसा घर बना दूंगा मैं। तो आ जाओ यहाँ पे देख सकते हो, ये कारपेट लगाने के बाद भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला घर, मतलब ये वाली जो है वो डिज़ाइन। तो ये देख सकते हो कारपेट लगाने के बाद क्या लग रहा है यार, ये देखो अब देखो भाई क्या लग रहा है, एकदम स्मूथ। और इसी में ही भाई 2-3 घंटे तो भाई ऐसे ही लग गए, ये डिज़ाइन कैसे चेंज करूँ भाई, डिज़ाइन अच्छी करूँ। लेकिन हाँ फाइनली यही मैंने चूज़ कर ली वापस से। अभी नेक्स्ट ओवर की बाकी है, एक ही तरफ की अभी तो हुई है, अभी दूसरी ओवर मैं लगाऊंगा। तो ये देख सकते हो आप लोग कुछ ऐसा लुक आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आ जाओ लेट्स गो, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से उठाते हैं और ये भी उठाते हैं और उस तरफ चलते हैं और वहाँ पे भी सब कुछ कर देते हैं। पहले तो भाई इन्वेंट्री भरी हुई है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। आ जाओ लेट्स गो चलते हैं।
सो फाइनली गाइस ये देख सकते हो आप लोग को मैंने जो है वो चारों ओर ये जो है यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं इसको ये जो है डिज़ाइन बना दी है। अभी देख सकते हो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लग रहा है ये वाला, मतलब बोल सकते हो आप लोग को फ्लोर सॉरी क्या बोलते हैं इसको छत, हाँ ये वाली छत काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इसी बात पे लाइक करो यार। तो लेट्स गो, अभी जो हुआ नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वो कुछ सोचा नहीं है वैसे, अभी क्या करने वाले हैं वो कुछ नहीं सोचा है। लेट्स गो। सो गाइस अभी ना यहाँ पे एक दिक्कत है, देखो भाई मतलब ऊपर वाला फ्लोर ना एकदम छोटा लग रहा है और गंदा सा लग रहा है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसे जैसे मैंने एक ब्लॉक अंदर बनाया था ना उस घर को ऊपर वाले को, अभी मैं एक ब्लॉक वापस से बाहर खींचने वाला हूँ। मुझे पता है भाई इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड है ये भाई, बट करना पड़ेगा वरना घर अच्छा नहीं लगेगा यार। आ जाओ अभी यही करना पड़ेगा भाई। और मैंने स्लेब्स लगाया, मैंने सोचा भाई स्लेब्स लगाने के बाद अच्छा दिखेगा, बट नहीं दिख रहा अच्छा। इसीलिए जो हुआ मैं यहाँ पे एक फ्लोर मतलब एक जो है ब्लॉक बाहर निकालने वाला हूँ वापस से घर को, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। जो घर घर की मतलब वॉल है ना वो सब जो वो तोड़कर वापस से लगानी पड़ेगी। आ जाओ तोड़ने का और फोड़ने का काम शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे जो वो वॉल्स तो वो हटा दी है, बट यहाँ पे मेरा दिमाग कुछ ओली चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्यों ना ग्लासेस लगाए जाए, कितना अच्छा लुक लगेगा भाई, मतलब एकदम मॉडर्न जैसा लगेगा यार। बट मेरे जिस तरीके से मैंने जो वो बनाया था मतलब पैटर्न थी हमारी उस तरीके से भाई फिर अलग हो जाएगा घर, उससे अच्छा ये है भाई वापस से वो लगा दो, ज़्यादा सोचना नहीं है। वैसे सोच सोच के ना ये दूसरा वीडियो है और इसी वीडियो में भी भाई घर कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाँ घर शायद से कम्प्लीट हो जाए। बट आ जाओ यहाँ पर ग्लासेस लगाता तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अभी यही वॉल लगा देते हैं यार। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ यार कि हम लोग जो है वो यहाँ पे ग्लासेस लगाए इस वॉल की जगह पे, प्लीज़ कमेंट करके बता दो यार। कमेंट सेक्शन एकदम खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कमेंट करो। चिमकंडी कहाँ से आया भाई, आ जाओ काम शुरू कर देते। ओके गाइस तो फाइनली जो है वो मैंने वॉल तो कम्प्लीट कर दी। अभी यहाँ पे देखो साइड साइड में मैं जो है ये लगा रहा हूँ स्लैब्स, और ये देखो यहाँ पे ताकि इसके ऊपर मैं लाइटिंग वगैरह रख सकूँ और ये दिखने का भी अच्छा रहे मतलब अच्छा लगे। तो भाई ये गेम है तो भाई हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी करते हैं यार। वैसे रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ घर बनता नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा भाई ऐसा घर कहीं पे होगा नहीं, बट मैंने बनाया है ना। तो आ जाओ लेट्स गो पूरे में भाई लगा देते हैं अपना स्लैब्स ऊपर नीचे दोनों तरफ। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई आधा काम कंप्लीट हो चुका है, और हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे एक तरफ का, एक सेकेंड यहाँ पे भाई टोचेस कैसे नहीं है, टोचेस लगाओ। बाकी ये देख सकते हो एक तरफ का मैंने जो है वो ये स्लैब्स लगा दिए हैं। अभी ऊपर की बाड़ी है, बट यहाँ पे मेरा जो है वो फ्रेंड ये लो भाई मुझे मिलने आया था, बोला कि नीचे आ देखता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से ही थोड़ा बहुत लड्डू प्रसाद दिया जाए। सीधा रहे भाई सीधा रहे, ये ले हाथ में ही ले ये ले, एक सेकंड रुक जा ये खा ले हाथ में, आ जा साले चिमकंडी। वैसे मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ भाई, आ जाओ चलते फटाफट से। अभी ऊपर के भी स्लेब्स बाकी है, बाकी ये देखो मकड़िया तुम्हारे लिए तो ये स्लेब्स लगाया था, ये देखो गिर जाएगी लेकिन ऊपर नहीं आ पाएगी। ये जो है वो स्लेब्स कुछ ऐसा ही लगाया है मैंने ताकि तुम ही उड़ ना पाओ। लेट्स गो अभी यहाँ से चलते हैं भाई ऊपर, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आई एम गोइंग टू द छत, लेकिन सबसे पहले तो सोना पड़ेगा और आज मैं सोऊंगा छत के ऊपर, यस बीच में। लेट्स गो हमारा घर है, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ सो सकते हैं, हमें कौन रोकेगा।
ओके गाइस, स्लैब्स तो लगा दिए हैं, बट मैंने जो है एक ब्लॉक अंदर किया था, तो इसको भी मुझे वापस से तोड़कर एक ब्लॉक बाहर करना पड़ेगा। मतलब बाहर किया था मैंने एक ब्लॉक मकान को, तो अभी जो है वो यहाँ पे इस घर को, मतलब इस डिज़ाइन को भी एक ब्लॉक बाहर खींचना पड़ेगा यार। लेट्स गो, ये भी तो रह गया था अभी। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारा घर जो है वो सेकंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, और भाई सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है, मस्त व्यू आ रहा है, और भाई सनसेट हो रहा है, तो ये भाई क्या ही मस्त अपना घर लग रहा है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा एपिक। मैं सोच रहा हूँ भाई यही थंबनेल लगाया जाए, बट घर थोड़ा सा दूर नहीं है, आई थिंक दूर ही होगा, मैं थोड़ा सा पास जाके थंबनेल लगाऊंगा। चलिए गाइस, आज की ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आओ तो क्या करो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबाओ। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।